अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 यानी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। यानी क्वेश्चन इन्होंने ये कहा, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। आगे क्वेश्चन इन्होंने ये कहा, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। यानी क्वेश्चन इन्होंने ये कहा, क्या नीचे दिया गया वर्ग जादुई वर्ग है। यानी इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन इन्होंने ये कहा है क्या यह एक मैजिक स्क्वायर है। तो जैसा कि फिगर के माध्यम से देखिए, ये हमारा रो है और ऐसे कॉलम्स हैं और ऐसे डायगोनल्स हैं। अगर तीनों को हम सॉल्व करें, रो कॉलम और डायगोनल्स, अगर सेम आंसर आता है तो समझ लीजिए मैजिक स्क्वायर है। यहाँ पे इन्होंने दिया है अलोंग द फर्स्ट रो। यानी क्वेश्चन इन्होंने ये कहा, प्रथम पंक्ति के अनुदेश 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, मतलब ये रो दिया गया, पहला रो इन्होंने हिंट के तौर पर दिया है, हमें ऐसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट रो, हिंदी मीडियम लिखेंगे प्रथम पंक्ति का योग। तो यहां पे ध्यान दीजिए, प्रथम रो में इन्होंने क्या दिया, 4/11। तो यहां पे लिखेंगे हम 4/11। अब देखिए दूसरा रो मिला तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद क्या मिला, 9/11 प्लस, उसके बाद क्या मिला, 2/11। यहां इक्वल टू करेंगे तो देखिए हम ऐड कर रहे हैं, 4 और 9 कितना हुआ 13 और 2 कितना हुआ 15 अपॉन नीचे क्या मिला 11। ये क्या है, गिवन है, यानी आपके बुक में दिया गया है, यहां लिख देते हैं हम गिवन। हिंदी मीडियम लिख लेंगे, गिवन के जगह पे दिया है। जैसा कि मैं दिखा देता हूं, ये आपके बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि फिर से हम आपको एक बार और बता देते हैं, ये जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम है और जितने भी डायगोनल्स हैं, अगर सबका आंसर सेम आता है तो समझ लीजिए मैजिक स्क्वायर है। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे हम सम ऑफ सेकंड रो। हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे द्वितीय पंक्ति का योग। तो देखिए द्वितीय पंक्ति में क्या मिला, यानी सम ऑफ सेकेंड रो में क्या मिला, 3/11 5/11 7/11। तो यहां पे लिखेंगे हम 3/11 प्लस करेंगे, उसके बाद क्या मिला 5/11 प्लस करेंगे, उसके बाद क्या मिला 7/11। तो चलिए आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 3 है, 5 और 3 कितना मिला 8, 8 और 7 कितना मिला 15, नीचे क्या मिला 11। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो फाइंड करेंगे। तो चलिए थर्ड रो भी फाइंड करके दिखाते हैं। तो देखिए थर्ड रो में इन्होंने क्या दिया, 8/11
वन अपॉन इलेवन सिक्स अपॉन इलेवन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ थर्ड रो हिंदी मीडियम लिखेंगे तृतीय पंक्ति का योग। तो देखिए तृतीय पंक्ति में क्या मिला यानी थर्ड रो में एट अपॉन इलेवन, तो यहां लिखेंगे एट अपॉन इलेवन प्लस करेंगे यहां क्या मिला वन अपॉन इलेवन प्लस यहां क्या मिला सिक्स अपॉन इलेवन। तो चलिए ऐड कर लेते हैं यहां पे एट और वन क्या मिला नाइन और नाइन और सिक्स कितना मिला फिफ्टीन, नीचे क्या मिला इलेवन। तो देखिए इस प्रकार जो तीनों रो मिले ये तीनों का आंसर क्या मिला सेम मिला। अब हम फाइंड करेंगे कॉलम्स की, तो तीन कॉलम्स हैं, चलिए इसका भी देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहां पे लिखेंगे हम यहां लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट कॉलम तो देखिए यहां पे सम ऑफ फर्स्ट कॉलम में हम आपको दिखाते हैं यहां पे देखिए फिगर के माध्यम से हम आपको बता देते हैं फर्स्ट वाला कॉलम हमारा ये मिला 4 अपॉन इलेवन 3 अपॉन इलेवन 8 अपॉन इलेवन। हम क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड करके हम आपको दिखाते हैं यहां पे यहां लिखेंगे हम 4 अपॉन इलेवन प्लस 3 अपॉन इलेवन प्लस 8 अपॉन इलेवन हिंदी मीडियम लिखेंगे प्रथम प्रथम स्तंभ का योग। बाकी क्या करेंगे आईडीटी लिख लेंगे। जैसा कि मैं बता दूं ये क्वेश्चन आसान है, तो चलिए ऐड करते हैं देखिए 4 और 3 कितना मिला 7, 7 और 8 कितना मिला 15, नीचे क्या मिला 11। तो देखिए अभी तक जितने भी आंसर हमने लिया सेम मिल रहा है। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं, यहां पे लिखेंगे हम सम ऑफ यहां लिखेंगे हम सेकंड सेकेंड कॉलम हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे द्वितीय अस्तंभ का योग। तो देखिए सेकेंड कॉलम में क्या मिला फिगर के माध्यम से आपको बता देते हैं यहां पे देखिए सेकेंड कॉलम में क्या मिला 9 अपॉन इलेवन 5 अपॉन इलेवन 1 अपॉन इलेवन। हम इन तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड करके आपको दिखाते हैं यहां पे लिखेंगे हम 9 अपॉन इलेवन प्लस 5 अपॉन इलेवन प्लस 1 अपॉन इलेवन। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं देखिए 9 और 5 कितना हुआ 14 और 1 कितना मिला 15 अपॉन नीचे क्या मिला 11। तो चलिए अब हम क्या करेंगे थर्ड वाला रो यानी थर्ड वाला कॉलम फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ थर्ड कॉलम हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे तृतीय तृतीय स्तंभ का योग। तो देखिए फिगर के माध्यम से फिर से हम बताते हैं थर्ड कॉलम में क्या इन्होंने दिया है देखिए
टू अपॉन इलेवन, सेवन अपॉन इलेवन, सिक्स अपॉन इलेवन, इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे यहां लिखेंगे हम टू अपॉन इलेवन प्लस क्या मिला, सेवन अपॉन इलेवन प्लस सिक्स अपॉन इलेवन। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे टू और सेवन कितना हुआ, नाइन, नाइन और सिक्स कितना मिला, फिफ्टीन, यानी फिफ्टीन अपॉन इलेवन। तो देखिए अभी तक रो और कॉलम इन दोनों का आंसर क्या मिला, अभी तक सेम मिला है। अब हम बात करेंगे डायगोनल्स की। तो चलिए फिगर के माध्यम से हम आपको बता देते हैं डायगोनल कितने बनेंगे, इसमें कैसे ऐड करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला आपका डायगोनल ऐसे मिलेगा, आपको पता होना चाहिए डायगोनल ऐसे ही बनते हैं। ये मिला आपका डायगोनल्स, इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम बता देते हैं अभी, एक डायगोनल्स ऐसे मिला और एक डायगोनल्स ऐसे मिला, देख लीजिए। इन दोनों डायगोनल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कैसे ऐड करेंगे हम बता देते हैं। यहां पे देखिए हम ऐड करेंगे 4 अपॉन इलेवन प्लस करेंगे 5 अपॉन इलेवन प्लस करेंगे 6 अपॉन इलेवन। तो इस प्रकार ये मिला हमारा फर्स्ट वाला डायगोनल्स, और सेकेंड वाला डायगोनल हमारा ऐसे बना, यानी 2 अपॉन इलेवन, 5 अपॉन इलेवन, 8 अपॉन इलेवन। तो चलिए पहले फर्स्ट वाले डायगोनल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां लिखेंगे हम सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल, ब्रैकेट में लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, हिंदी मीडियम लिखेंगे यहां पे पहले विकर्ण का योग, कोष्टक में लिखेंगे बाएं से दाएं। तो क्या मिला था, चलिए हम ऐड करके आपको दिखाते हैं। यहां पे तो देखिए पहले वाले मिला था हमें 4 अपॉन इलेवन प्लस करेंगे, उसके बाद क्या मिला था 5 अपॉन इलेवन प्लस करेंगे, उसके बाद क्या मिला था 6 अपॉन इलेवन। तो चलिए ऐड करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 और 5 कितना मिला, 9, और 9 और 6 कितना मिला, 15, यहाँ लिख देंगे 15 अपॉन इलेवन। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड डायगोनल्स की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ सेकेंड डायगोनल, ब्रैकेट में लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, यहां लिख लीजिएगा। हम बता देते हैं यहां लिखना है राइट टू लेफ्ट, हिंदी मीडियम लिखेंगे दूसरे विकर्ण का योग, ब्रैकेट में लिखेंगे दाएं से बाएं। तो चलिए फिगर के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। देखिए ये हमारा मिला राइट, राइट से हम क्या करेंगे लेफ्ट ऐड करेंगे, यानी 2 अपॉन इलेवन, 5 अपॉन इलेवन, 8 अपॉन इलेवन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कहां से, राइट से हम क्या करेंगे, लेफ्ट की ओर ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहां लिखेंगे हम क्या मिला था, लिख देते हैं यहां पे 2 अपॉन इलेवन प्लस करेंगे, उसके बाद क्या मिला 5 अपॉन इलेवन प्लस करेंगे, उसके बाद क्या मिला 8 अपॉन इलेवन। तो चलिए ऐड कर लेते हैं
2 और 5 कितना मिला 7, C1 और 8 कितना मिला 15, नीचे क्या मिला 11। तो देखिए इस प्रकार रो कॉलम और क्या मिला डायगोनल, इन सब का आंसर क्या मिला है 15/11 ही मिला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये क्या है मैजिक स्क्वायर है। यहां पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, लिखिएगा सिंस द सम ऑफ, यहां लिखेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन ईच रो कॉमा कर देंगे इन ईच कॉलम एंड यहां लिखेंगे डायगोनल एंड एलोंग द डायगोनल आर सेम। नीचे की लाइन से लिखेंगे देयरफॉर, नीचे की लाइन से लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ, यहां लिखेंगे मैजिक स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए हिंदी मीडियम वाले यहां पे लिखेंगे इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग क्या है समान है, अतः यह एक जादुई वर्ग है। यही आपको हिंदी मीडियम वाले लिखना है। फिर से हम बता देते हैं आपको लिखना है हिंदी मीडियम वाले इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान है, अतः यह एक जादुई वर्ग है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।